हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इस क्लासेस में अभी फोटोसिंथेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। अब तक अपनी क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस में एक तो पिगमेंट्स को पढ़ लिया है, दूसरा उसके बाद हमने प्लास्टिड्स को पढ़ा था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा उसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस है जिसकी बात हमने की थी, फोटोसिंथेसिस डिटेल प्रोसेस है, उसको हमने दो पार्ट में या दो मैकेनिज्म में डिवाइड किया है। एक काम होगा लाइट रिएक्शन, दूसरा काम हो जाएगा डार्क रिएक्शन। जो नाम है इसका दिया हुआ है लाइट रिएक्शन, मीन्स इट्स अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मीन्स इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट है, लाइट कंपलसरी है। दूसरा जो काम होगा वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब उसको अंधेरे की ज़रूरत नहीं है, इट्स लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट हो नहीं हो इस प्रोसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे लाइट कंपलसरी है, यहाँ पे लाइट कंपलसरी नहीं है। इसकी लोकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। जब प्लास्टिड पढ़ाते थे तो हमने कहा था ये जो ग्रेना होता है, ग्रेना थाइलेकोइड्स, वहाँ पे लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है, और जो स्ट्रोमा था वहाँ पर डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स, हम लाइट रिएक्शन आज की तरह डिस्कस करेंगे। पहले लाइट रिएक्शन में भी कुछ चीज़ें जो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक तो होगा हमारा फोटो सिस्टम जो एग्जैक्टली लाइट का यूज़ करेगा, जिसका दूसरा नाम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी है। उसके बाद हम उसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों टाइप का होगा। इसी के साथ इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन होगा जिससे हम कहेंगे ऑक्सीजन का इवॉल्व होगा। देन उसी के साथ होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन, मीन्स ATP का प्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। तो फर्स्ट आप इस पेज को डिटेल में देख ले एक बार सिंपली। ये मैं अभी कर रहा हूँ ताकि आप इसको इजीली नोट डाउन कर सको पॉज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो वीडियो बनाएंगे मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि एक्चुअली अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए स्मॉल वीडियोज़ रहेंगे। एक एक टॉपिक का रहेगा, उसी को हम कंप्लीट करते जाएंगे और अपलोड करते जाएंगे। तो मुझे लगता है ये इनफ होगा आपके लिए। हम डिस्कस करें सबसे पहले लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन ऑफ कोर्स ग्रेना पार्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, ये कहाँ पे हो रहा है? तो अगर हम देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट देखा था, तो हमने जो लेमिनर सिस्टम देखा था, लेमिनर सिस्टम में ये जो ग्रेनम बने हुए थे या ये जो था ग्रेना थाइलेकोइड, स्ट्रोमा थाइलेकोइड, यहाँ पर ये कंप्लीट होगा। देन पर्पज़ क्या है, कैसे क्या होगा, सब कुछ अगर आप सिंपली सोचें, थोड़ा सा इमेजिन करना ज़रूरी है। लाइट रिएक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो रोल प्ले करेंगे वो है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स ही है। जो सनलाइट आएगी, जो सोलर एनर्जी आएगी, उसको ट्रैप करने का काम सिर्फ पिगमेंट्स ही करेंगे। पिगमेंट्स पे हमने डिस्कस किया था, मोस्टली जो होगा क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स दोनों थे जिनका अलग अलग एब्जॉर्प्शन था, तो उसका हमने स्पेक्ट्रम भी देखे थे। पिगमेंट्स का काम, ऑब्वियसली पिगमेंट्स अकेले काम नहीं करेंगे, वो एक ग्रुप और एक यूनिट में काम करते हैं जिसको हमने एक नाम दिया था क्वांटासोम। तो इसी सब की चर्चा करते हुए हम पढ़ते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो लाइट रिएक्शन का है कि ये क्यों किया गया है। तो जो हम CO2 फिक्सेशन, जो मेन काम है फोटोसिंथेसिस में, कि CO2 का फिक्सेशन होगा और उसे कार्बोहाइड्रेट बनाया जाएगा, उसके लिए जितनी भी एनर्जी यूटिलाइज होगी, जितनी भी पावर की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारा पावर वो पहले बनाएगा। जैसे हम कहते हैं ये एक तरह का ये ऑटोप्लास्ट है, या हम कह सकते हैं जो ऑटोट्रॉप्स है, ऑटो का मतलब ही है सब कुछ खुद ही, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब जो फिक्सेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी वो पहले खुद ही जनरेट करेगा और फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। तो ऑफ कोर्स जो एनर्जी बनेगी आगे जा करके, जो इसका इस्तेमाल होगा, तो वहाँ पे हम कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट बनाया जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट बनाना यानी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें उसको एक सेल लेवल पे प्रोसेस का, तो कोई भी बनने का प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस। और इस एनाबॉलिक प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो पावर जनरेट होगी उसको हम कहेंगे एनाबॉलिक पावर। तो ऑब्वियसली ये एनाबॉलिज्म भी है, दूसरा CO2 का रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन भी हो जाएगा, तो रिडक्शन के लिए जो पावर का नाम हो जाएगा वो रिड्यूसिंग पावर होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट है, जो पर्पज़ है लाइट रिएक्शन का, वो पर्पज़ है ATP और NADPH2 बनाना।
देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर NADPH प्लस H प्लस आइंस लिखते हैं, बट इन जनरल हम उसको याद करने के लिए, इजी रखने के लिए हम उसको NADPH2 के फॉर्म में लिख देते हैं, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको याद रखना है द पर्पज़ ऑफ द लाइट रिएक्शन टू फॉर्म ATP एंड NADPH2, और इसमें कंप्लीट जो रोल होगा वो एक तो होगा पिगमेंट्स का, क्योंकि लाइट को वही अब्जॉर्ब करने वाले हैं, और दूसरा रोल होगा इसको बनाने में जो प्रोटीन्स कैरियर्स वगैरह काम आएंगे उनका, जो ऑब्वियसली थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में ही होगा। तो सारा काम जो मेम्ब्रेन्स में हो रहा है, थाइलेकोइड्स की मेम्ब्रेन में हो रहा है, वही काम ATP और NADPH2 बनाने में काम आएगा, और उसी के लिए ज़रूरत पड़ेगी लाइट की। तो इसमें प्रोसेस को अगर हम सिंपली देखें तो इससे फोटोकेमिकल फेज, जिसमें क्या क्या होगा, एक तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा जो नो डाउट पिगमेंट्स करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा जिसको हम आगे देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रॉन को रिफिल करना, या जो इलेक्ट्रॉन जो लैप्स हुए उसको वापस इंक्लूड करवाना, वो काम हो जाएगा। वाटर की स्प्लिटिंग, वाटर हमने पहले ही बात की थी, प्रोटॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा, और उसकी वजह से बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, और अल्टीमेटली एक ही काम होगा, वो होगा फॉर्मेशन ऑफ एनाबॉलिक पावर और रिड्यूसिंग पावर। यही बनाना इसका मेन पर्पज़ है, लाइट रिएक्शन का मेन पर्पज़ ATP और NADPH2 बनाना है, क्योंकि यही आगे वापस काम आएगी। अब ये काम कैसे क्या होगा, किस तरह से होगा, तो हम पहले उसके फंडामेंटल कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं कि जो पूरा प्रोसेस होगा, इस पूरे प्रोसेस के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली लाइट को यूज़ करने वाला सिस्टम है, इसलिए उसका नाम रख दिया हमने फोटो सिस्टम, और एक और नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज लाइट को हार्वेस्ट किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा। कुछ यहाँ पे दे रखा है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एमर्सन एंड नॉल्ड ने क्लोरेला पे वर्क करते हुए इसके ऊपर डिस्कवर किया था। दो तरह के सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। ये जो नाम दिए गए, जनरली ये बताया जाता है कि नाम जो पहला डिस्कवर हुआ था वो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, जो बाद में डिस्कवर हुआ था वो फोटो सिस्टम सेकेंड है। देन एक सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है, तो ऑफकोर्स एक सिस्टम में ढेर सारे पिगमेंट इंक्लूड होंगे, क्योंकि मेन काम पिगमेंट का ही है। उसके बाद पिगमेंट उस लाइट का करेंगे क्या, तो उस पिगमेंट उस लाइट को एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी से पिगमेंट्स के जो मेन मॉलिक्यूल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, और वही इलेक्ट्रॉन्स आगे पास ऑन होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन को आगे से आगे कन्वे करने का, कैरी करने का, ट्रांसफ़र करवाने का काम जो करेंगे वो होंगे कुछ कैरियर्स, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, और उसमें कुछ बीच में जो काम आएगा वो प्रोटॉन कैरियर्स भी होगा। तो यानी एक फोटो सिस्टम में जो मेन चीज़ें होगी, एक तो होगा पिगमेंट कंपोनेंट, दूसरा होगा कैरियर्स, कैरियर्स ETS के लिए, या उसको ETC भी बोल सकते हैं। देन हम बात करते हैं कहाँ मिलेगा, पिगमेंट्स की बात करी तो पिगमेंट्स जिसकी हमने बात करी थी, पिगमेंट्स क्वांटासोम के फॉर्म में काम करते हैं, यूनिट के फॉर्म में काम करते हैं, जिसमें क्लोरोफिल भी है, कैरोटीनॉइड्स भी है, जिसको हम पहले बात कर चुके हैं, ए बी उनके कितने कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। फिर प्रेजेंस की बात करते हैं, ये प्रेजेंस कहाँ पे होगा, तो हमने जब प्लास्टिड पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट में, तो मैंने वहाँ बताया था जो आउटर सरफेस वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट, और जो दो थाइलेकोइड के बीच का जो पार्ट है जो दबा हुआ है, प्रेस्ड है, उसका नाम दिया गया अप्रेस्ड पार्ट। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होगा वो हमेशा नॉन अप्रेस्ड पार्ट पर होगा, और फोटो सिस्टम सेकेंड जो होगा वो हमेशा अप्रेस्ड पार्ट पर होगा। इसको वापस इधर यहाँ देखें, जितने भी ये वाले पोर्शन हैं ये सारा अप्रेस्ड पार्ट है, और वहाँ पर प्रेजेंट होगा फोटो सिस्टम सेकेंड। अब इसके साथ ETS की बात करते हैं, तो ये अगर हम बात करें कि थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, आप सबको पता होगा कि जितनी भी मेम्ब्रेन्स है सेल में वो सारी एक ही तरह से कंपोज्ड है, लिपिड बाई लेयर है, और उसमें बीच बीच में इंटीग्रल प्रोटीन्स है, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, इन्हीं में से प्रोटीन्स को हम कैरियर नाम देते हैं, कुछ एंजाइमेटिक काम करती है, कुछ रिसेप्टर का काम करते हैं, यही प्रोटीन्स यहाँ पर कैरियर्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स के कैरियर होंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जितनी भी मेम्ब्रेन है, चाहे ये मेम्ब्रेन है चाहे ये मेम्ब्रेन है, सब में सेम तरह का कंपोजिशन है। तो वहीं पे हम देखेंगे किस तरह से वहाँ पर फोटो सिस्टम पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है, क्वांटासोम प्रेजेंट होंगे, और क्वांटासोम के साथ साथ यहाँ पर कैरियर्स प्रेजेंट होंगे, और ये सब मिलकर एक कंप्लीट प्रोसीजर को करवाएंगे, जिसका अल्टीमेटली पर्पज़ होगा कहीं ना कहीं ATP बनाना और NADPH2 बनाना। अब हमारे पास दो तरह के सिस्टम है, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड, इसमें क्या डिफरेंस है, और उसके पहले जो क्वांटासोम है या यूनिट है वो किस तरह से काम करेगा,
उसके लिए दे रखा है। तो फ्रेंड्स, आपने ये एनसीईआरटी में इस तरह का एक डायग्राम देखा होगा। ये डायग्राम आपको क्या बता रहा है? ये डायग्राम बता रहा है किस तरह से मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे और किस तरह से वो फंक्शन करते हैं। तो अगर हम सिंपल सोचें, इतने सारे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत कहाँ है, सब मिलकर के क्यों काम कर रहे हैं? हर कोई अकेला जब लाइट एब्जॉर्ब कर ही सकता था तो अकेले अकेले वो काम कर सकता था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये जहाँ यहाँ पर जो मेन सेंटर होगा, जिससे हम बात करेंगे आगे किस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसके लिए उसको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इतनी एनर्जी अकेला एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगल पिगमेंट मॉलिक्यूल के बस की बात यह है नहीं। अगर ऐसा होता भी है तो वो इतनी हाई एनर्जी से कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो सिंपली अगर हम देखें इसमें, तो ये एक मेन रिएक्शन सेंटर है। ऑब्वियसली ये एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है। मेन रिएक्शन सेंटर मीन्स जो आगे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, वो यहीं से होगा। बाकी सारे पिगमेंट इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर पाएगा, क्या क्या है यहाँ पे, तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते पहले तो, कि ये सारा ऐसा ग्रुप क्यों है। पहले तो अकेले ये सिंगल मॉलिक्यूल होता तो ना तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर पाता, ना ही उस हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाता। फिर अकेला मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जैसे हमने जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखे थे, उसमें हमने क्लोरोफिल ए और बी दोनों के अलग अलग स्पेक्ट्रम देखे थे। तो एक तो तरह तरह के पिगमेंट लेने से क्या हो जाएगा, हमारे पास एक वाइड रेंज हो जाएगी लाइट को एब्जॉर्ब करने की। ये कुछ और एब्जॉर्ब करेगा, ये ऑब्जॉर्ब करेगा ये, तो ये जो अलग अलग पिगमेंट्स है अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरा, कई बार अगर हाई लाइट आती है, हाई एनर्जी वाली, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल के पास हाई एनर्जी होने से वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अदर देन दिस, इस मॉलिक्यूल को जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे वो तो हो जाएगा रिएक्शन सेंटर। इसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम कह सकते हैं एंटीनी मॉलिक्यूल्स या एसेसरी पिगमेंट्स, जिसमें मोस्टली दूसरे क्लोरोफिल ए और बी के और कैरोटीनॉइड्स के पिगमेंट होंगे। तो वहाँ पर एनसीईआरटी में भी क्लियर किया गया है ऐसा सब कुछ क्यों है। तो पहले तो ये पिगमेंट्स प्रिवेंट रिएक्शन सेंटर फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, और ऑल्सो हार्वेस्ट एक्स्ट्रा लाइट और वेवलेंथ, जिसकी अभी हमने बात करी थी। अकेला मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के तरह तरह की वेवलेंथ को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम लाइट स्पेक्ट्रम का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारी लाइट वापस रिपल्स हो जाएगी, उसका यूज़ फोटोसिंथेसिस में नहीं हो पाएगा। अब ये काम कैसे करते हैं कि हर मॉलिक्यूल अपनी अपनी वेवलेंथ पर जहाँ पे एब्जॉर्प्शन शो करता है उस लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा, और फिर अपने नियर बाय जो भी पिगमेंट होगा उसको वो उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये सोलर एनर्जी है, ये इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये एब्जॉर्ब करके इसके पास वाले को, ये इसके पास वाले को, ये इसके पास वाले को, ऐसे ऐसे आगे पास ऑन कर देंगे। इस तरह के ट्रांसफ़र को हम कहते हैं रेजोनेंस ट्रांसफ़र। तो ये सारे पिगमेंट्स जिनका अल्टीमेटली एक ही काम है, लाइट को एब्जॉर्ब करना, अपने अपनी पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करते हुए सारी एनर्जी को एक ही रिएक्शन सेंटर को, एक मॉलिक्यूल को दे देंगे, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, जिससे इस मॉलिक्यूल के आउटर ऑर्बिट से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होगी, तो उस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहली बार जो एक्सेप्ट करेगा, जो होल्ड करेगा, उसके लिए हम नाम देते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जब लाइट एब्जॉर्ब हुई, उस लाइट की वजह से जो पहले जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनको सबसे पहली बार जिसने एक्सेप्ट किया होगा वो हो जाएगा उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट कैरियर से होता हुआ आगे पास ऑन होगा या वापस यहाँ आएगा, वो हम अलग अलग सिस्टम में अलग देख रहे हैं। तो यानी सिंपल सा है, लाइट को एब्जॉर्ब करना, इलेक्ट्रॉन को एमिट करना। यहीं पे देखो फ्रेंड्स, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इंटू कहीं ना कहीं केमिकल एनर्जी, जो आगे जा करके फिर काम आएगी कहीं ना कहीं एटीपी बनाने में। तो यहाँ से कन्वर्जन होना स्टार्ट हो गया, मेन काम पिगमेंट का हुआ। अगर आप कहीं से भी पिगमेंट को हटा दोगे, ये वाला काम नहीं होगा, तो आगे कोई तरह का प्रोसीजर नहीं होने वाला है। अब जो कैरियर्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम बात करते हैं जो हमारे पास फोटो सिस्टम है, दोनों फोटो सिस्टम में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैसे डायग्राम के साथ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो रिएक्शन सेंटर होता है वो P700, मतलब इसका हाइएस्ट एब्जॉर्प्शन पॉइंट इतना है, इसमें इतना है P680,
इसके अलावा फेरिडॉक्सिन है, प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम्स है, B6F, प्लास्टोसाइनिन, ये सब आपको पता होगा। ये आपको मिलेंगे जो है ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों में, क्योंकि हमने बात करा था नॉन एप्रेस्ड पार्ट वो स्ट्रोमा में भी है और वो ग्रेना में भी है, इसलिए इस तरह के आपको दोनों मिलेंगे। PS सेकेंड जो सिर्फ एप्रेस्ट पार्ट में मिलता है तो ऑब्वियसली वो ग्रेना थाइलेकोइड में ही मिलेगा, क्योंकि एप्रेस्ट पार्ट स्ट्रोमा थाइलेकोइड में नहीं होता है। देन इसमें फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पे नाम दिया गया, इसमें नाम नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा वो क्लोरोफिल एक रिजेंबल मॉलिक्यूल होगा। इसके अलावा प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, ये फेराडॉक्सिन, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम, ये सारे के सारे PS सेकेंड के कंपोनेंट हैं। तो आप सबको इतना समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली ये सारा काम क्या है, क्यों किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमारा ATP NADPH2 होगा। इसको बनाने के लिए, इसको यूज करने के लिए फोटोसिस्टम वर्क करेगा। दो तरह के फोटोसिस्टम है, दोनों फोटोसिस्टम में कुछ के क्वांटासोम भी होंगे और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से प्रोसेस से काम कर रहे होंगे। तो हम आगे क्लास में डिटेल में जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक कंपोनेंट उसके बारे में बात करेंगे और किस तरह से ATP और NADPH2 बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।